चंदू, कॉलेज में सब ठीक है ना? वैसे तो सब ठीक है। अच्छा? कोई एसीपी शंकर नारायण है, बहुत तंग करता है सबको। भैया से शिकायत करती हूँ। रुको रुको, एसीपी शंकर नारायण, वो तो हमारा ही आदमी है। तुम्हें पता नहीं है क्या, सरकार उसे जितनी सैलरी देती है ना, उससे ज्यादा तो हम उसे रिश्वत देते हैं। उससे तो मैं ये बात करूंगा, इतने छोटे काम के लिए भैया को डिस्टर्ब मत करो, लीला सब संभाल लेगा। अब जाओ, बेफिक्र होकर बिंदा जाओ। नमस्ते मैडम, मैं हूँ एसीपी शंकर नारायण। क्या कहा? आप एसीपी शंकर नारायण हैं? जी हाँ मैडम, आपने भाई से शिकायत की कि मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन तो कोई और... जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मैं भैया से बात कर लूंगी, आप जा सकते हैं। शुक्रिया मैडम। क्या यार, अगर उस फेक एसीपी के बारे में बता देते तो वो उसकी खाल उधेड़ देते। कूल डाउन। मछली को पकड़ने के लिए कांटे का इस्तेमाल किया जाता है, और मछली पकड़ने के बाद उसे काट कर उसमें मिर्च और मसाला भरा जाता है। वो तो आ गया। सब लोग ऐसे बिहेव करो कि हम उसकी असलियत के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ओके ओके। नमस्ते एसीपी साहब। नमस्ते एसीपी साहब। अबे गॉडविन, जरा चाय लेकर आना, मलाई मार गया। लगता है मेरा हंडा फूट गया। हमने इतने दिनों में गाना भी सीख लिया है कि नहीं? हाँ सर, सीख लिया। गाकर सुनाए? चलेगा। पोल खुल गई, वाट लग गई, एक नकली पुलिस वाले की खाट खड़ी हो गई। ओके ओके, तो तुम्हें पता चल गया है कि मैं नकली एसीपी हूँ। सही कहा, झूठ सामने आ गया। मुझे चीट करने की कोशिश की। मैं सत्या की बहन हूँ, याद रखो। तुम्हारे खून से अपने नेल पॉलिश कर सकती हूँ। लेकिन मेरी बात तो सुनो चंदू जानू। चंदू, हम इतने क्लोज कब से हो गए? मुझे मेरी बात तो पूरी करने दो। तू कोई नेता है जो भाषण देता रहेगा और मैं सुनती रहूंगी? हाँ, माय फुट। अब मेरी बात सुन। सॉरी बोल, सॉरी बोल, इसी वक्त सॉरी बोल। मेरी बात तो सुनो चंदू। शाला मत बन, तेरा असली रूप सामने आ चुका है। वर्दी की स्त्री खराब मत कर, उतार इसे। देखो, छोटे पौधे, कांच की गुड़िया और लड़कियां तभी अच्छी लगती है जब वो सेंसिटिव और क्यूट होती हैं। लड़की हो, अपने हद में रहो, पैसों के घमंड में सबको अपने पैर की धूल मत समझो। चलो फेस पे थोड़ा स्माइल रखो। सराउंड में क्या साउंड आया था? कुछ टूटकर गिर गया था। तुम्हारी इजाजत हो तो मैं निकलूं? हाँ, वो गुस्से में है। हाँ, इसीलिए डर लग रहा है। तेल लगा लेना। जाओ, जल्दी जाओ। चलो चलो। ए बंटी। हाँ भाई। उस येड़े को फोन लगा। हाँ, वो बैगन मिले की घंटी बज रही है। हेलो। हेलो हेलो। क्यों चिल्ला रहा है? ड्राइव करते समय फोन नहीं उठाने का समझा क्या? ठुकवाएगा क्या? सामने देख। अरे अबे किधर है तू, बता जल्दी। बोल, हार गया, ढूंढ नहीं पाया। अरे तुम मिलेगा तो तुझे आग दूँ। ए, ये काव काव किसी कौवे के सामने करना, मैं तो किंग कॉन्ग हूँ। ए, एक बात सुन ले, मैं तुझे कुत्तों को खिला दूंगा। मॉर्निंग वॉक से बीपी कंट्रोल होता है, कम खाने से फैट कम होता है, मुझे और वाइफ को चैलेंज करने से लाइफ कम होती है। तुझे ढूंढ कर कॉकरोच की तरह मारूंगा। ढूंढो ढूंढो, मेरे बाप का कह जाता है डूड। पैसा और गाड़ी का पेट्रोल तो तेरी जेब से जा रहा है, यू स्टूपिड फूल। भाई उसने फिर भूल दिया। हाँ बताओ, कहाँ जा रहा है? अबे किसी को ढूंढना है। किसे ढूंढना है? उसे ढूंढ के पूछेंगे कि किसे ढूंढना है। अरे क्यों नहीं ढूंढते जिसे ढूंढना है? क्योंकि हम उसे नहीं जानते। उसे जानने वाले को ढूंढो। हम उसे भी नहीं जानते। तो फिर ढूंढते रह जाओगे? मंदिर में शायद डालडे के दिए जलाए होंगे, इसलिए इतनी टेंशन हो रही है। क्या हुआ कल्लू? चंद्रकला को थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? मामू, कुछ लोगों के दिल फूलों से पिघल जाते हैं, पर मेरा फूल वो फेंक देती, इसलिए शॉक ट्रीटमेंट दिया। मेरा लव को अप्रोच करने का अलग तरीका है। और फिर अगर उसने अपने भाई को अप्रोच किया और फिर उसके गुंडों ने हमें अप्रोच किया तो? आगे। चंदू को तूने छेड़ा है ना? आप किसकी बात कर रहे हो? ओ, तो इसका निकनेम चंदू है। मुझे दो चीजें देखना बिल्कुल पसंद नहीं। ये कुछ ज्यादा ही पका रहा है। पहली तो चंदू की आंखों में आंसू, और दूसरी चंदू के मुंह में थर्मामीटर। बंद कर अपने मुंह का शटर। तेरी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए, जाकर उसे सॉरी बोल। अरे पर मैंने आपकी बेबी को नहीं छेड़ा। मैंने कहा ना जाकर सॉरी बोल, तुझे कुछ ज्यादा ही समझ में आ रही है, जाकर सॉरी बोल। ये लड़का मजबूत है या पोल कमजोर है? लड़के को मजबूत समझने में ही समझदारी है, वरना बहुत पड़ेगी। सुनती हो, चंदू को जिसने छेड़ा था
उसे मैंने समझा दिया है, अब वो उसे कभी परेशान नहीं करेगा। लास्ट वार्निंग दे दी है। मैं लंच के लिए आ रहा हूँ, मच्छी फ्राई करके रखना। क्या घूर घूर के हम सबको देख रहा है? पिछले 10 सालों से हम हर रोज जिम जाते हैं, समझा क्या? लोगों को मारने के लिए जिम की नहीं जिगर की जरूरत होती है, जो तुझ में नहीं है। एक अंदर की बात बताऊं तुझे, मैंने चंदू को बिल्कुल नहीं छेड़ा, बस कान के नीचे जोर से रख कर दिया। ये क्या है चंदू, तुम कहती हो कि उसने तुम्हें छेड़ा और वो कहता है कि उसने तुम्हें कान के नीचे रख कर दिया। बिना क्लैरिटी के मैं उससे बात कैसे करूं? वो मुझे थप्पड़ क्यों मारेगा, उसने मुझे छेड़ा था, उससे बहस करने की जरूरत ही नहीं है, जाकर चमाट लगा। तुम्हारी बात को सच मानकर अगर हमने उसे पीटा तो वो थप्पड़ मारने वाली बात सच हो जाएगी। हाँ सोचो तो, वैसे उसे मारना कोई बड़ी बात नहीं। मारो मत, उसे सिर्फ सॉरी बोलने को कहो, बस इतना ही ना, मुझ पर छोड़ दो। बच गया। बोल झुक गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं झुक गया। मैं तो सड़क पर गिरे हुए पैसे उठाने के लिए भी झुकता नहीं, स्लिप डिस्क हुआ है। मेरी सलाह मान और छोटे से मैटर को आगे मत बढ़ा। जा चंदू को सॉरी बोल। अले इतनी ची बात है मुन्ना, तो मैं अभी बोलता हूँ। हाँ मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ और ये मेरी खिल्ली उड़ा रहा है। चंदू जानू, आई लव यू। व्हाट? भैया को बोलूं क्या? उसको नहीं बोला है, तुम्हें बोला है। हाँ तो चंदू, इसने सॉरी बोला या नहीं? हाँ बोल दिया, चलो यहाँ से। शुक्र है बच गया। हेलो, कहाँ से गा रही हो? एड्रेस दो, चिल्लर पार्टी के हाथों चिल्लर भेज दूंगा। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या कुत्ते कमीने? जब तुम गुस्सा करती हो तो तुम्हारी आवाज बिल्कुल कोयले की इंजन जैसी लगती है। ऐसे घटिया डायलॉग बोल के ही लड़कियों को फंसाते हो ना, ठरकी बुड्ढे। मेरा फोन तो लगा ही नहीं। मेरा मैं मर्डर 3 करूं? हेलो, जरा दूर जाकर बात करेंगी, आप मुझे डिस्टर्ब कर रही है। मेरे सामने आया ना तो टेटवा दबा दूंगी। ये चामुंडा उस बेचारे को छोड़ेगी नहीं। हाँ सर, अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात कहूँ। बको। सर स्मार्टफोन का एक नया ऐप आया है, उससे जिसका फोन है उसकी लोकेशन पता चल जाती है। प्लीज सर एक मौका दीजिए, मैं अभी साबित कर दूंगा। हाँ जल्दी का क्या है? बोलिए सर, नंबर बोलिए। ए नंबर बोलो जल्दी। हाँ बोलो। 9868। सर एक बार फिर से बोलिए। 9828 2840। भुला दिया। सर एक बार फिर से बोलिए। 9828 2480। अरे उसे फोन दे देना, नंबर पढ़ लेगा वो खुद। ये लो लिख लिया ना। तो जाओ वहां जाके बात करो। फोन काट दिया कुत्ते। तो हम क्या नाचे? सर कनेक्ट हो रहा है सर। सर वो इस वक्त मदनपुरा में। मदनपुरा में? हम भी मदनपुरा में हैं। और इसी बिल्डिंग में है सर। इसी बिल्डिंग में है? इसी बिल्डिंग में। बिल्डिंग में कहां पर है पता कर। अभी बताता हूँ। जल्दी कर, जल्दी बता। थोड़ा सबर रख, अभी बताता हूँ। डेव्स कैफे। डेव्स कैफे लगा रखा है, ये देखो पीछे। हमने उसे ढूंढने को कहा तो हमें ही ढूंढ रहा है। तेरे फोन की तो तिरम में फोन। चलो कहीं और चलते हैं। सर सर आप यहाँ क्यों आए? अरे मिस कॉल कर देते मैं आ जाता। एयरपोर्ट जा रहा था, सोचा अपनी बहन से मिलता चलो। हाय भैया। अरे कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, गूगल सर्च भी मारा। I love you. तुमने भाई के सामने कहने कहा था ना, सिर्फ तुम्हारे भाई के सामने नहीं पूरी दुनिया के सामने कहूंगा। I love you. I love you. इसका नाम पूजा गोटे नहीं चंद्रकला है, है? चंद्रकला? हाँ। वन मिनट। अरे श्यामलाल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पूजा गोटे को आई लव यू बोलने के बजाय किसी चंद्रकला को आई लव यू बोल दिया। बापू बोलिए। क्या रे, बिना कंफर्म किए तो किसी भी लड़की को आई लव यू कैसे बोल सकता है बे? शक्ल से जितना छू दिखता उतना है नहीं, फेसबुक प्रेम भैया। लोग अपने नाम के साथ किसी और का ब्यूटीफुल फेस चिपका देते हैं, इसी से मैं कंफ्यूज हो गया ना भैया, सच्ची मुच्ची भैया। मुझे माफ करने के लिए थैंक्स भैया, अपनी बहन का ख्याल रखना, इन्हें तो कोई भी आई लव यू बोल देगा।
अपना ख्याल रखना बहना। मैं किसी काम से दिल्ली जा रहा हूँ, 4 दिनों बाद लौट आऊंगा, ठीक है? ओके बाय। थैंक गॉड भला टली। हे, मेरी एक्टिंग कैसी लगी? शेर की तरह एंट्री मारी, केचुए की तरह सिकुड़ गए, बिल्कुल दम नहीं था। शिकार जब तुम्हारी तरह हॉट हो तो भूखे शेर को झुकना पड़ता है। मेरी बातें तुम्हारी तरह थोड़ी लंबी है, आओ बैठकर डिटेल में समझाता हूँ। कितना भी ट्राई कर लो मैं इंप्रेस नहीं होंगी। तुम एक बात अच्छी तरह जानती हो, तुम्हारा दिल मेरे नाम से धड़कने लगा है। चंदू नाम है मेरा, चंपू पे फिदा नहीं होंगी। गलतफहमी है तुम्हारी, सुबह से लेकर शाम तक मेरे साथ एक पूरा दिन गुजारो, लिख कर देता हूँ तो मुझ पर फिदा हो जाओगी, अगर नहीं हुई तो मैं अपनी चिकनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ओके? क्यों, क्या सोच रही हो, जवानी में पैर लड़खड़ाने से डर लग रहा है? मैं तैयार हूँ। ऑल द बेस्ट टू मी। तुमने उसे यहाँ क्यों बुलाया है? उसे लगता है कि मैं उस पर फिदा हो जाऊंगी, देखना पूरा दिन मेरे साथ गुजारने के बाद वो शाम को हॉस्पिटल में दिखाई देगा। पर करूंगी क्या? जरा वहाँ पर देखो, चेन्नई एक्सप्रेस देखिए। हाँ। शाहरुख खान दीपिका को उठाकर मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ता है। तो क्या तुम उसे उठाकर मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने वाली हो? वेंकी मुझे उठाकर 1000 सीढ़ियाँ चढ़ेगा। पर उससे क्या होगा? एकदम बुद्धू हो, ना तो ये कोई फिल्म है और ना ही वो कोई शाहरुख खान, मंदिर पहुँचने से पहले ही वो भगवान के पास पहुँच जाएगा। ए, वो आ गया, देखो वो आ गया। हाय। हाय। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आज पहला सोमवार है और सोमवार को मैं मंदिर आती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम दोनों साथ में ऊपर चलें? ओह, मेरा प्यार पाने के लिए भगवान से आशीर्वाद लेना चाहती हो? वेरी फनी, चलो चुपचाप। हाँ चलो। क्या हुआ? मेरा पैर फिसल गया, अब मैं चल नहीं पाऊंगी। वापस चले? कैसी बातें कर रहे हो, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अब वापस कैसे जाऊँ? तुम क्या सोच रहे हो, कहीं ये तो नहीं कि मुझे उठाना पड़ेगा? करेक्ट, अगर तुम्हें ऑब्जेक्शन ना हो तो उठा कर ले चलो। लेकिन मुझे रास्ते में मत छोड़ना वरना मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी। तुम्हारा प्यार मेरे लिए पूजा है और पूजा बीच में नहीं छोड़ते। आओ। कम, तुम्हारा वेट कितना है चंदू? 53। ऊपर पहुँचते पहुँचते मैं 53 किलो का हो जाऊंगा।